भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पंधाना विधायक राम दंगोरे ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का खंडवा में समर्थन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मजारों पर भूत प्रेत भगाने के जो मेले लगते हैं उन पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते। बता दें कि इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश चौधरी भी बागेश्वर धाम सरकार के पक्ष में बयान दे चुके हैं। बागेश्वर धाम सरकार अगर किसी के लिए उम्मीदें बांध रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, अगर उनको पॉजिटिव वे में ले जा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मजारों के ऊपर इतने मेले लगे हुए रहते हैं, भूत प्रेत आते हैं, उनके ऊपर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है। जो अच्छे रास्ते पर चल रहा है, हिंदू धर्म की प्रसिद्धि कर रहा है, हिंदू धर्म की गौरव गाथा बता रहा है, तो उनको घेरने के लिए 50 लोग खड़े हो गए। आप ये इनको घेरिए जो भूत प्रेत भगाते हैं। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया और कहा कि उन्होंने सनातन धर्म को जागृत करने की जो कोशिश की उससे विरोधियों के पेट में दर्द हो गया है। चंद्रशेखर तिवारी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ईसाई मिशनरी क्या भूत भगाने के नाम पर धर्मांतरण नहीं करते, उस समय किसी को अंधविश्वास नहीं दिखाई देता। इसके साथ ही चंद्रशेखर तिवारी ने अंधविश्वास निर्मूलन समिति को चेतावनी दी कि धीरेन्द्र कृष्ण बागेश्वर धाम के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाती है तो सनातन धर्मी इसका विरोध करेंगे। संत समाज, पुजारी समाज उनके समर्थन में, पूरे हिंदू समाज आज उनके समर्थन में, अगर उनके खिलाफ किसी प्रकार का षड्यंत्र रचा जाएगा तो संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करेगा और रोडों पर आकर इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज करने वाले श्याम मानव का विरोध लगातार जारी है। अलग अलग हिंदू संगठनों द्वारा लगातार उनके विरोध में बयानबाजी जारी है और इसी बीच अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थक और उनके भक्त सड़कों पर उतर आए हैं। छतरपुर में भी उनके समर्थकों ने शनिवार को श्याम मानव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्हें हिंदू और सनातनी विरोधी बता दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि बाबा को बदनाम करने के लिए श्याम मानव इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। महाराज जी के द्वारा जो पूरे भारत देश में हनुमान चालीसा के पाठ कराए जा रहे हैं, युवाओं को जगाया जा रहा है, आज आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम पर मंगलवार को 5-5, 10-10 लाख लोग पहुंचते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये धर्म के लिए जो ये लोग ये कर रहे हैं, ये धर्म के विरोध में काम कर रहे हैं, वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। बजरंग सेना इसका विरोध करती है।